अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद है आप लोग सब क्लियर से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि ISTU जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, उसके जो है एडमिशन ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो है शेयर करेंगे। वो इसके अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 30 जून है। तो ISTU में जो है ना एडमिशन ओपन हुए हैं April 2022 में। ये फॉल्स एडमिशन है, ठीक है। क्लोजिंग डेट जो एडमिशन की वो 13 जून है, और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी वो August 2022 को होगी, ठीक है। और जो क्लासेज है वो सितंबर को लगेंगी, ठीक है। किस किस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ओपन हुआ? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और उसके बाद साइंस प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस, स्पेस साइंस, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एडमिशन ओपन हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट स्कॉलरशिप भी अनाउंस करती है यूनिवर्सिटी, आर्ट एंड डी ऑर्गेनाइजेशन, HEC नीट बेस्ड स्कॉलरशिप, SAS स्कॉलरशिप, IST मेरिट स्कॉलरशिप, द पंजाब एजुकेशन इन्वॉलमेंट फंड फ्री स्कॉलरशिप जो अनाउंस करती है। उसके बाद एप्लीकेशन के लिए अगर आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपने NAT, SAT, NET, ECAT, NED, USAT, ACT एंटी टेस्ट कैन यूज़ टू हायर स्कोर फॉर मेरिट डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये टेस्ट आपने जो है ना दिए हों, और जिसका भी स्कोर हायर होगा ना वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए तो ECAT तो मस्ट है, ठीक है। ECAT तो देना आपका लाजमी है। बाकी दूसरे जो जितने भी आपने अगर टेस्ट दिए हैं तो वो भी आप वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, जिसके ज़्यादा मार्क्स हुए, ठीक है, वो ही काउंट होगा। उसके बाद जो साइंस के प्रोग्राम हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, स्पेस साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में जो है टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ऑनलाइन ही एडमिशन है। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने जो है ना ऑनलाइन एडमिशन करना है। उसके बाद एप्लीकेशन की लास्ट डेट 30 जून है, ठीक है। इस्लामाबाद हाईवे, इस्लामाबाद में ये यूनिवर्सिटी है ISTU, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इनसे डायरेक्ट भी जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जो एडमिशन प्रोसेस फ्लो चार्ट है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडमिशन अनाउंसमेंट होती है अप्रैल या मई में। तो अप्रैल में एडमिशन अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है, ऑनलाइन ही आपने एडमिशन करनी है। जो एडमिशन की फ़ी है वो भी आपने ऑनलाइन ही डिपॉजिट, ऑनलाइन ब्रांच में जो है ना HBL में जो है ना डिपॉजिट करानी है ड्यू टू लास्ट डेट से पहले पहले, ठीक है। उसके बाद आपने वहाँ पर जाकर जो है ना अपनी फ़ी अपलोड करनी है, और आपने देख लेना कि आपका जो है ना एडमिशन जो है ना ISTU में जो है ना कंफर्म हो गया कि नहीं। वो आपको कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप मैसेज आएगा, अगर आप तो होस्ट लाइट हैं, ठीक है, दूर से हैं तो हॉस्टल क्या आपने जो है उनको मैसेज करना है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट वगैरह का अगर आपकी प्रोविजन मेरिट लिस्ट में जो है ना आपकी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है, तो फिर आपने जो है ना HBL में जो है ना फ़ीस सबमिट करवानी है, अगर आप हॉस्टल या ट्रांसपोर्ट के भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपने रिपोर्ट करना है ISTU में ऑन रजिस्ट्रेशन डेट, मतलब कि फ़ीस सबमिट करवानी है आपने। फ़ीस सबमिट करवाने के बाद हॉस्टल की भी फ़ीस सबमिट करवानी है। मैं आपको तो यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप जो है ना हॉस्टल वगैरह की, ट्रांसपोर्ट वगैरह की जो है ना फ़ीस सबमिट करवाएं, ये बाद में थोड़ा सा मसला हो जाता है, ठीक है। और रिपोर्ट वगैरह करनी है आपने, और बाद में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की फ़ीस स्ट्रक्चर की देखें तो एवियोनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उसमें एडमिशन फ़ी 30,000 है, इंडोनमेंट फ़ंड 5,000 है, लाइब्रेरी फ़ंड 5,000 है, ठीक है। और ऐसे ही जो ट्यूशन फ़ी है वो 1,08,009 है, सर्विस चार्जेस 7,000 है, और स्मार्ट कैंपस चार्जेस 2,000 है। इस तरह जो टोटल पर सेमेस्टर फ़ी बनती है वो 1,17,900 बनती है, ठीक है। ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा होती है, ये एडमिशन फ़ी वगैरह और ये चार्जेस जो ना काटे जाते हैं, नेक्स्ट जो है ना ये थोड़ी सी कम हो जाती है फ़ी, ठीक है। उसके बाद जो फॉरन स्टूडेंट है, कोई फॉरन से पढ़ने के लिए आया हुआ है, तो उसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। उसके बाद ऐसे जो कंप्यूटर साइंस की फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये कंप्यूटर साइंस का फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये 1,09,960 है। स्पेस साइंस का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी 1,09,000। फिजिक्स का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो लोकल और फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी देख सकते हैं हम, 69,500 है, और 3,017 जो है ना अमेरिकन डॉलर जो है ना फ़ीस स्ट्रक्चर है फॉरेन स्टूडेंट। इसी मैथमेटिक है 69,500 है, ठीक है। और ऐसे ही जो है ना आप जियो इंफॉर्मेशन स्पेस का जो ना फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शनल चार्जेस पर सेमेस्टर हैं, जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो भी आप देख सकते हैं, 46,000 है, ठीक है, और 600 जो है ना US अगर अमेरिकन डॉलर है तो फॉरेन स्टूडेंट है तो उनके लिए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी आपको आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। लॉकर रेंट भी 800 है, ठीक है, वो भी आप जो है ना यहाँ से देख सकते हैं।
ठीक है, ये पर सेमेस्टर जो है ना चार्जेस होते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल इनरोलमेंट फ़ी पर सेमेस्टर, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना कैसे है, पर सेमेस्टर जो है ना एडमिशन करवाना है आपने, ठीक है। ये सारा क्राइटेरिया अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एडमिशन कैसे, उनके एप्लीकेशन ओपन करेंगे यहाँ पे आपको अप्लाई नो का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। अगर ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से करें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे क्रिएट एन IST एडमिशन अकाउंट आपने क्रिएट करना है, अपना नाम लिखना है, ठीक है, फादर नेम लिखना है, ईमेल को कंफर्म करना है, ठीक है, फ़ोन नंबर लिखना है, अल्टरनेटिव सेल नंबर लिखना है, और उसके बाद जो है ना आपने पासवर्ड डालना है, यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म करना है, नेशनैलिटी ज़ाहरी बात है पाकिस्तानी, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट कहाँ से किया, किस में किया आपने, FSC में किया है, ठीक है, कहाँ से आपने ये देखा है, मैं अदर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और आई हैव क्रिएट एन अंडर मोस्ट, ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट एन अकाउंट कर देना, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट करेंगे तो आपके सामने जो है आपको जो है ना ईमेल आ जाएगी, आपकी ईमेल पे आप पार्टी वहाँ से जाके, मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप वहाँ से जाके ही जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना कंप्लीट करें, ठीक है। अगर तो वहाँ से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे फिर ईमेल एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपसे आपके बायो मतलब के इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, यही कि आपका नेम वगैरह सारा पूछा जाएगा फिर से, ठीक है, आपका एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा, और FSC कहाँ से किया, मेडिकल कहाँ से किया, ठीक है, एजुकेशन के वाले से पूछा जाएगा, और उसके बाद जो है ना आपने किस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना ये पूछा जाएगा, और आपने जो फ़ीस सबमिट करवानी है इस प्रोग्राम की उसके वाले से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।